पहले तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मुझे अवसर आपने बोलने का दिया। और इस बिल के बारे में जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस हैं उसमें विस्तार से दिया हुआ कि बिल ये आया। ऑक्शन का प्रोविज़न 1957 के एक्ट में नहीं था, इसलिए ऑक्शन का प्रोविज़न लाने के लिए महत्वपूर्ण इसमें भूमिका आई है। मैं उपाध्यक्ष जी बहुत गंभीरता के साथ में विचार कर रहा था कि आखिर ये ऑक्शन की बात आई क्यों, ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि सबको पता लगे हमने कोई गलत काम नहीं किया। और ये शुरुआत कहाँ से हुई, मन में तकलीफ इस बात की है कि जनप्रतिनिधि जो इतने बहुमत से चुन करके यहाँ पर आते हैं, कहीं ना कहीं जनता के विश्वास को धक्का उन्होंने पहुँचाया और जो विवेक उनको दिया गया था 1957 के एक्ट में, उस विवेक का दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग ना रहा होता तो शायद इस आज विधेयक की आवश्यकता ना पड़ती। मैं चाहता हूँ कि हर काम केवल माननीय न्यायालय तक ना जाए, सर्वोच्च न्यायालय तक ना जाए, और उनकी प्रतिकूल टिप्पणी के बाद में हम लोग जगना ना शुरू करें और फिर कहें कि नहीं पारदर्शिता आएगी, हम तो ऑक्शन का प्रोविज़न कर रहे हैं। ये ऑक्शन का प्रोविज़न करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी अगर हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया होता और ईमानदारी के साथ में अपना काम किया होता। अब ये विधेयक आज आया संशोधन के लिए, मैं इसका स्वागत भी करता हूँ, मंत्री जी को बधाई भी देता हूँ उस बात के लिए कि कम से कम पारदर्शिता के क्षेत्र में उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया है। लेकिन एक दो सुझाव दूंगा, मनोहर ठीक है ऑक्शन होगा, लेकिन ऑक्शन में भाग कौन लेगा, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, मजबूत होगी, जिसके पास में एक निश्चित धनराशि की व्यवस्था होगी, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो वहाँ के निवासी मूल निवासी हैं, मैं मानता हूँ उस बात को कि उन मूल निवासियों में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वो ऑक्शन में भाग ले सकें। जो जो व्यवस्था की गई है उसमें वो हिस्सेदार हो ही नहीं सकते, तो क्या मानेवर जीवन भर के लिए उनकी किस्मत में मजदूरी लिख दी? पूंजीपति वहाँ जाएंगे, बड़े बड़े लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ के मूल निवासी जन जन्मांतर से मजदूरी करते आ रहे हैं, भविष्य में भी उनकी नस्लों को सुधार करने की कुछ हमें सोचनी चाहिए थी। मेरा आग्रह है मंत्री जी से कि इस बारे में भी विचार करें कि क्या कोई सहकारी समिति बना करके हम स्थानीय व्यक्तियों को भी जो वहाँ बसे हुए हैं उनको भी मौका दे सकते हैं ओनरशिप का या नहीं दे सकते। दूसरी बात मान्यवर, ये एक एसेट है, प्राकृतिक एसेट है जो हमको दिया हुआ है, और मैं इस बात के लिए आग्रह करता हूँ कि इसका भी प्रोविजन होना चाहिए, ओवर एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए। अगर ओवर एक्सप्लोइटेशन इस रिसोर्स का होगा तो आगे भविष्य के लिए क्या बचेगा। एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूँ, पानी मान्यवर कितना आवश्यक हम लोगों के लिए है, और पानी से अधिक कोई और चीज़ है भी नहीं, लेकिन हमारे ओवर एक्सप्लोइटेशन के कारण आज पानी की भी संकट पैदा होता जा रहा है, चिंता होती जा रही है। और अगर इसी प्रकार से मिनरल्स का भी हम लोग एक्सप्लोइटेशन करते रहे, उसमें कोई कंडीशन हम ना रखी, शर्त ना रखी, तो आगे वाली भविष्य के लिए क्या बचेगा मान्यवर। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ये कुछ मौलिक बिंदु हैं, इन मौलिक बिंदुओं के ऊपर भी विचार होना चाहिए। धन्यवाद।